तुम भी ना बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। ये तो होना ही चाहिए। क्यों? बचपना तो मासूमियत की निशानी होती है, ये तो सभी में होना ही चाहिए। लो, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। ठीक है बाबा, आज नहीं लड़ते। बच्चे कितने खुश है आज। क्या हो गया? पापा इस पत्थर से लग गया। गुड मॉर्निंग प्रभाकर, प्रेजेंट सरप्राइज। दीप, मैं फैमिली के साथ सोनगढ़ आया हुआ था। वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। मुझे कुछ मिला है? ओके, ऐसा क्या मिल गया जिससे हमारी याद आ गई? शायद तुम्हारे काम का ही है। फोटो सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। धनीराम, क्या कर रहे हो? साहब, जगह खाली थी, सोचा एक पौधा लगा देता हूँ। बहुत हो गए पौधे उधे। मैडम की नई कार आ रही है, पार्किंग भी तो चाहिए। हटाओ ये सब यहां से। वर्मा जी, एक मीटिंग अरेंज करिए इमीडिएटली। जेंटलमैन, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोनगढ़ के जंगलों में झरने के पास से हमें यह आर्टिफैक्ट मिला है और पूरी उम्मीद कि यह स्टोनेज से रिलेटेड है। वी हैव टू मेक एन एक्सप्लोरेशन टीम and going on the spot as soon as possible. Mr. Verma will lead the team. So gentlemen, call all the officers. हमारी पूरी टीम दो दिन में वहां पहुंच जानी चाहिए। यह हमारे क्षेत्र की एक बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। कुमार जी, क्या रिपोर्ट है आपकी? नेगेटिव।
सर, नीचे सिर्फ चट्टाने और मिट्टी हैं। हेलो सर, ग्राउंड रडार की रिपोर्ट नेगेटिव है। ओके। झरने के चारों तरफ सिर्फ चट्टाने और मिट्टी मिली। वर्मा जी, मैं आपको सैटेलाइट इमेजेस भेज रहा हूँ, आप अपनी टीम को पहाड़ी के नॉर्थ ईस्ट एरिया में भेजिए। ओके सर। लगता है यहाँ कुछ मिलने वाला है। एक छोटी सी किरण भी सूरज का पता दे सकती है। हमें तो पूरी गुफा मिल गई। ठीक कहा, लगता है आपका सूरज इसी गुफा में उगने वाला है। सर, यू आर राइट, पहाड़ के नॉर्थ ईस्ट में हमें केव मिली। वेल डन, वेरी वेल डन मिस्टर वर्मा। सर, एक और खुशखबरी, हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। दैट्स रियली ग्रेट। I am proud of you and your whole team. ये छोटा सा पत्थर कितनी बड़ी खोज की निशानी है। सर, डेटिंग की रिपोर्ट्स आ गई है। ये सारे आर्टिफैक्ट्स कम से कम 10,000 साल पुराने हैं। बैठिए वर्मा जी। सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने हमें इतनी करेक्ट लोकेशन कैसे भेजी? मेरी पहली पोस्टिंग सोनगढ़ में ही हुई थी। हमें भी तालाब के किनारे इसी तरह का एक स्टोन मिला था। हमने उस एरिया की पूरी छानबीन की, लेकिन इससे पहले कि हम उस पहाड़ी के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते, मेरा ट्रांसफर हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सर, ये सब आप ही की मेहनत है जिसका फल हमें आज मिला। और मेहनत कभी छुपती भी नहीं। सरकार ने कल ही सम्मान समारोह रखा है। और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का है। सर, गुफा में सिर्फ पत्थर ही नहीं, वॉल पेंटिंग्स भी मिली। इसमें सारे फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूं। ओके जेंटलमैन, See you tomorrow.
मैं चाहूंगा कि दीप कुमार जी अपनी इस महान उपलब्धि पर दो शब्द कहें। हम सब जानना चाहेंगे कि इस समय आपको इस उपलब्धि पर कैसे महसूस हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं, मेरे सभी साथियों की है। साथियों, हमें गुफा में पाषाण काल के पत्थरों के अलावा कुछ भित्ति चित्र भी मिले हैं, और जांच के बाद हमें ये पता चला कि ये सभी एक ही इंसान ने बनाए हैं। 10,000 साल पहले शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता था, मैं आज आपको वही बताना चाहता हूं। सारी पेंटिंग्स में सिर्फ पेड़ और इंसान, शायद वो यही कह रहा था जो आज तक हम समझ नहीं पाए कि अगर पेड़ है तो इंसान है। हमारी हर सांस इनकी दी हुई है, इन्हें ही भूल गए तो हमें अपने जीवन को भी भूल जाना चाहिए। थैंक यू। साहब, सॉरी धनीराम, अब इसकी जरूरत नहीं है।